सोमवार को महेश्वर थाना क्षेत्र के नगर से दूर ग्राम काकरिया में संचालित हो रही टायर फैक्ट्री में बॉयलर का ढक्कन खोलने के दौरान अज्ञात कारणों से बॉयलर से अचानक आग निकलने के चलते फैक्ट्री में काम कर रहे 6 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों का धामनोद शासकीय अस्पताल में इलाज जारी है, जहां तहसीलदार राकेश सस्तिया, थाना प्रभारी पंकज तिवारी भी पहुंचे और घायलों से चर्चा की। वर्षों पुरानी संचालित हो रही इस टायर फैक्ट्री में पुराने टायरों को गलाकर लिक्विड रूप में स्टोर किया जाता था। घटना सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। मौके से सभी टायर फैक्ट्री के जिम्मेदार गायब हैं। पुलिस प्रशासन SDOP मनोहर सिंह गोली मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मराज। क्या हुआ, आपको पता है कुछ? सर्किट हो गया सर, एकदम स्पार्क हो गया था। अच्छा, क्या टायर क्या होता है वहाँ पर, क्या काम होता है? टायर का रिसाइकलिंग होता है सर। अच्छा, टायर क्या करते हो आप लोग? उसका ऑयल निकलता है ना। अच्छा, तो ब्लास्ट हुआ वहाँ पर? नहीं सर, एकदम गैस शॉर्ट सर्किट हो गया था। अच्छा, गेट खोल रहा था उस टाइम। गेट खोलते हो मशीन का जी, फिर क्या हुआ? फिर एकदम आग पकड़ी बात से एक्सीडेंट हुआ। तो आग लगी थी वहाँ जी? अच्छा, कितने लोग थे आप? आदमी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का हूँ सर। क्या पूरा नाम है आपका? धर्मराज सिंह। पिता का नाम? प्रताप सिंह। क्या नाम है आपका? अजय। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं छोटा भेटले रहता हूँ। अच्छा, कहाँ काम करते हो आप? काकरिया फैक्ट्री। काई की फैक्ट्री? टायर फैक्ट्री। क्या पूरी घटना है, आज कितनी बजे घटना है? ये करीब 9 बजे के। क्या हुआ? 9 बजे ये गेट खोल रहे थे तो जैसे तार खींच रहे थे, उसमें चिंगारी होने से आग लग गई। फिर क्या हुआ? और आग के चपेट में आ गए। अच्छा, 5-7 जने वो वहाँ पे काम कर रहे थे, उसके वजह से। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 1 साल से। अच्छा, कितने पुरानी फैक्ट्री हो वो? 9-10 साल के। कौन है इसके सेठ? सेठ तो इंदौर के हैं। नाम मालूम? नाम मेरे को नहीं पता। अच्छा, आप तो आप किनकी देख रेख में काम कर रहे हो वहाँ पर? मैं तो ऑपरेटर के साथ में काम करता हूँ। अच्छा, कितनी बजे घटना है? 9 बजे के लगभग सुबह। हाँ, यह गांव में जो है एक टायर फैक्ट्री है। यहाँ पर दिन में आज काम करते समय पता चला है कि बॉयलर का जो ढक्कन है उसके अचानक खुलने की वजह से कुछ लोग उसमें जो है झुलस गए हैं। जो घायल है उनको अस्पताल धामनोद उपचार के लिए ले जाया गया है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि घायल कौन कौन है, कहाँ कहाँ के हैं। इस संबंध में हमने तत्काल जो है थाना प्रभारी महेश्वर को धामनोद जो है जानकारी के लिए वो कार्रवाई के लिए रवाना किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।